बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भले ही न बनने की बात कह रहे हो, लेकिन देश में जब बीजेपी के खिलाफ वो मोर्चा बनाने की सोच रहे थे तब उनके सामने यही था कि वो विपक्षी एकजुटता कर तमाम नेताओं के मुखिया बने और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। जेडीयू और राजद तो शुरू से बिहार में यह चाहती है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने और इस बात की चर्चा भी होती रही है। आपको बता दें कि अब इन बातों को ज्यादा बल मिलते हुए दिख रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा अपनी पार्टी का गठबंधन बीजेपी यानी एनडीए के साथ करने के बाद एक अखबार से बातचीत में, एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में, इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, दावा किया है कि कर्नाटक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2022 से उनकी बातचीत चल रही थी। जब बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया तो वो देश भर में उन नेताओं और उन पार्टी के प्रमुख से बातचीत कर रहे थे जो बीजेपी के खिलाफ में खड़ी थी। और इसी कड़ी में नीतीश कुमार की बातचीत पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से हुई। इस बीच उनकी पार्टी के विलय की भी चर्चा हुई थी जो तीसरे मोर्चे की बात की जा रही थी, विपक्षी गठबंधन की बात की जा रही थी उसमें, और उसके लिए उन्होंने सहमति भी दे दिया था। लेकिन जब पटना में बैठक हुई उस बैठक में उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब इसके पीछे के कारण जो निकल के सामने आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने जो दावा किया है उसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमारी बातचीत हो चुकी थी लेकिन हमने कहा था कि कर्नाटक चुनाव तक इस मुद्दे पर आगे बात नहीं किया जाए। नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर चुके थे लेकिन बात नहीं बनी। कर्नाटक का चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर मेरे नाम पर आपत्ति जताई। दरअसल कांग्रेस के वो नेता जो मेरी उंगलियों को पकड़कर ककहरा राजनीति की सीख रहे थे उन्होंने मेरा विरोध शुरू कर दिया। दरअसल उनका सीधे तौर पर इशारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता हैं सिद्धरमैया उनके ऊपर था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता मेरा विरोध कर रहे थे और यही वजह है कि राहुल गांधी ने मेरे नाम से किनारा करना शुरू कर दिया है और विपक्षी एकजुटता का जो स्वरूप बना उस बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। हालांकि अब बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सच में चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। राजद और जेडीयू की मंशा भी यही थी क्योंकि आज भी राजद और जेडीयू के नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। लेकिन हाल में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ उसमें कई नेताओं के सहमति के बाद नीतीश कुमार के नाम पर अभी ना मुहर लगी और ना ही ऐलान हुआ है लेकिन कोशिश की जा रही थी। इस बीच नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियों में फंसे हुए उसे लेकर चर्चा ये भी की जा रही थी कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर अपने बाद जनता दल यूनाइटेड का भविष्य नहीं देख रहे हैं, नीतीश को लग रहा है कि मेरे बाद जेडीयू को आगे कौन बढ़ाएगा। यही वजह है कि नीतीश चाह रहे थे कि वो केंद्र की सियासत में एक्टिव हो जाए, किस राज्य के राज्यपाल बन जाए या फिर बीजेपी के साथ मिलकर देश की राजनीति में जुड़ जाए। लेकिन उनका यह सोच, उनकी यह प्लानिंग उनके पुराने सहयोगी और बीजेपी नेताओं ने खोल दी। नीतीश कुमार ने सफाई में कहा कि उन तमाम लोगों की बातों का वो ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अब इन तमाम बातों को बल मिलते हुए दिख रहा है कि क्या सच में नीतीश चाहते थे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का विलय कर दे, किसी भी बड़ी पार्टी के साथ वो विलय करके खुद के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते थे। जो विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार बनाना चाहते थे उसका सुपर पावर अपने पास रखना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के शामिल होने के बाद उनके सहयोगी राजद और जो दूसरे दल हैं उनकी नाराजगी का आलम है कि नीतीश कुमार चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। देवगौड़ा के दावों की अगर बात करें तो देवगौड़ा फिलहाल बीजेपी के साथ है लेकिन उनका कहना है कि वो आज भी अपने विचारधारा से अलग नहीं हटे हैं और राय समझौता करेंगे। महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और अब गठबंधन की बातें हुई लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने खुलासा किया उससे साफ है कि नीतीश चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने वो एक बड़ा चुनौती बने लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार के सपनों पर ग्रहण लगाते हुए दिख रही। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी अब कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में बिहार में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जब भी सवाल पूछा गया सीट बंटवारे का तो नीतीश टालते रहे। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसे बा? ठीक बा।
जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।